स्टूडेंट मैं सेल्फ उषा भिमानी आई विल टीच यू साइंस सब्जेक्ट फॉर क्लास एट। क्लास एट का हम चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। अभी जो सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक के हम इस चैप्टर में हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे। आपको पता है जो हमारा जो कपड़ा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं फाइबर, मतलब जो कपड़े का मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं फाइबर्स बोलते हैं। और प्लास्टिक्स मतलब क्या होता है जो हम डेली यूज करते हैं आइटम्स में। आपको पता है जैसे कि हम लोगों ने किचन में देख लो कुछ प्लास्टिक के आइटम्स मम्मी यूज़ करती है, जैसे कि हमारे स्विच बोर्ड्स होते हैं वो सब फेंके बनते हैं प्लास्टिक के। तो हम इस चैप्टर में क्या लर्न करेंगे, क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वी यूज मटेरियल्स इन अवर डेली लाइफ। आपको पता है कि हम बहुत सारे मटेरियल यूज़ करते हैं जैसे कि वुड हुआ, कॉटन हुआ, स्टोन्स हुआ, क्लेस हुआ, ये सब हम लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं नेचुरल मटेरियल्स। इसको नेचुरल मटेरियल्स क्यों कहा गया है क्योंकि हमको ये नेचर से प्रोवाइड होते हैं। अब मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। अब जो मटेरियल्स होते हैं ये हमको काय के लिए काम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे कि जो ग्लास होता है वो ग्लास से हम लोग बाउल्स भी बना लेते हैं, टम्बलर्स भी बना लेते हैं, खिड़कियों के गेट्स भी बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें काय से बनती है, हमारी ग्लास से ही बनती है। मटेरियल ऑफ मेनी टाइम्स, बहुत सारे के मटेरियल्स होते हैं, कुछ होते हैं नेचुरल मटेरियल और कुछ होते हैं मैन मेड मटेरियल। तो नेचुरल मटेरियल क्या होते हैं जो कि हमको नेचर से ऑक्योर हो, हम उसको क्या बोलेंगे नेचुरल मटेरियल। जैसे कि वुड हुआ, कॉटन हुआ, कोल हुआ, ग्रेफाइट हुआ, डायमंड हुआ, ये सब हमारे क्या है नेचुरल मटेरियल्स। अब हमारे मेन मेड मटेरियल्स क्या होते हैं, जिसको जो चीज़ हमको नेचर से मिली हो और उसको हम केमिकली चेंज कर रहे हों, उसको हम बोलते हैं मैन मेड मटेरियल्स। मैन मेड मटेरियल्स मतलब क्या होता है, जो लोग हम हाथ से बनाते हैं या फैक्ट्री से बनते हैं हम उसको बोलते हैं मैन मेड मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हुआ, पेंट हुआ, सीमेंट हुआ, डिटर्जेंट्स हुए, साबुन हुए, ग्लास हुए, ये सब क्या होते हैं मैन मेड मटेरियल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लोथिंग मटेरियल्स। अब जो क्लोथ्स बनते हैं ना वो भी अलग अलग चीज़ों से बनते हैं, ऐसा नहीं होता एक ही कपड़ा होता है। आप लोग देखते होंगे कई बार जो हमारी ड्रेसिंग सेंस रहता है वो सिल्क का होता है, कभी कॉटन का होता है, कभी पॉलीमर्स का होता है, कभी कभी हमारा टेलीस्टार का हुआ तो होता है। तो मतलब जो हमारे कपड़े होते हैं उनके भी क्या होते हैं अलग अलग मटेरियल्स होते हैं जिनको हम फाइबर्स भी कहते हैं। ऑल दीज फाइबर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अभी जो सारे फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिले हुए रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं पॉलीमर्स। अब आप देख सकते हैं ये देखिए कॉटन का जो हमारा पेड़ है, ये काय का पेड़ है, कॉटन का पेड़। कॉटन का पेड़ मतलब क्या होता है जो ये काय का पेड़ है, रुई का पेड़ है। आप देखिए ये कैसे उग रहा है, ये लीव्स के अंदर से उग रहा है। अब पॉलीमर्स क्या होते हैं, अब ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम मैन मेड मटेरियल से भी बनाए जाते हैं। तो पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड से आया है पॉली और मर। पॉली मतलब क्या होता है बहुत सारे और मर मतलब होता है एक पार्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम इसको बोल सकते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है। अब हम पढ़ेंगे पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स अगर हम सोचा जाए तो ये कायम चलती है, चेन सिस्टम में चलती है। अब हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर्स के लिए कौन कौन से हमको रॉ मटेरियल्स चाहिए, कौन कौन से हमको माल चाहिए, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल हमको चाहिए, वो हम देखेंगे। ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और फॉर्म द सूटेबल कंपाउंड्स। अभी जो हमारे जो सारे सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल किस टाइप के होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे वो क्या बनते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है स्पेशली किसके मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। अब ये जो सारे मॉलिक्यूल्स के नाम करके कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए हमको, मिथेन, मिथेन क्या है एक गैस है, मैथनॉल भी एक गैस है, इथेन, प्रोपेन, इथेन, इंथॉल, ये सब क्या है गैसेस है जो हमको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या रॉ मटेरियल्स के लिए चाहिए रहती है। अब हम क्या पढ़ेंगे
सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? एक धागे टाइप का फाइबर होता है। आपने देखा होगा कि जब भी कपड़ा बनता है, जब वो फैब्रिक में रहता है, कपड़ा बनता है तो काय के रूप में रहता है, लंबे लंबे धागों के रूप में रहता है। और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, विद द यूज ऑफ केमिकल प्रोसेस या तो मशीन के थ्रू उसको काय में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं, कपड़ों में कन्वर्ट करना वो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। अब ये जो रायन है, नायलॉन है, टेरलाइन, ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियोन। तो आप देखिए रियोन फाइबर किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। ये कौन से में होता है? इसके अंदर एक हल्का सा सिल्क का भी अपन को पाया जाता है, मतलब इसमें हल्के हल्के सिल्क क्वालिटीज भी होती है, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले कहाँ आया, कौन सी सेंचुरी में आया था? 19th century जब ख़त्म होने वाली थी, तब हमारे यहाँ पर रियोन का कपड़ा आना स्टार्ट हुआ गया। सबसे पहले इन्होंने काय से बनाया गया? वुड पल्प से बनाया गया। जो वुड, वुड क्या है? एक हमारा नेचुरल सोर्स है, जो कि काय से आया गया है, हमारे जो नेचर से प्रोवाइड है। अब फिर क्या कर दिया गया? इट कैन डाइड इन वाइडो वेराइटीज। जो वुड पल्प हुआ करती थी उनको वो लोग क्या करते थे, बहुत सारे कलर्स में कन्वर्ट कर लेते थे। इट कैन बी मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक अ बेड लेंथ। अब क्या करा रियोन को, थोड़ा सा कॉटन में मिक्स करा, तो उन लोगों ने जो बेड शीट्स होते हैं, जो कारपेट्स होते हैं, उसमें इसमें से बनाना स्टार्ट किया। जब इन लोगों ने रियोन को वूल से मिक्स करा, मतलब थोड़ा तो सिल्क और थोड़ा जो वूल को लिया, तो इन्होंने क्या बनाए, कारपेट्स बनाए। देन उन्होंने उनसे शर्ट्स बनाना स्टार्ट करी, देन टाई बनाना भी स्टार्ट करी। अब रियोन के यूजेस क्या क्या है? अगर वो वूल के साथ मिक्स होता है तो क्या बनाएगा? कारपेट्स बनाएगा। कारपेट्स मतलब क्या होता है, जिससे हम पैर पोछते हैं या हम बिछाते हैं नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं, कारपेट्स बोलते हैं। ऑटोमोबाइल के जो टायर्स है वो भी किसके थ्रू बनते हैं, थोड़े बहुत रायन के थ्रू बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे नायलॉन। तो नायलॉन भी एक क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, जो कि काय से आया है, कोल। कोल मतलब क्या होता है, कोयला। ये ऐसा फाइबर है जो पूरा का पूरा सिंथेटिक फाइबर के ऊपर डिपेंड करता है। फटाफट करना है अपन को। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन्स। जो नायलॉन्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, काफ़ी इलास्टिक रहता है और काफ़ी लश्रस मतलब शाइनी रहता है। जो नायलॉन रहता है वो इजीली गीला नहीं होता है, पानी के अंदर वो इजीली गीला नहीं होता है। अब हमको नायलॉन काय काय में यूज़ आता है? रस्सी बनाने में यूज़ आता है, टाई कोट्स बनाने में यूज़ आता है। ये देखिए जो नायलॉन के ये जो है सब चीज़ें नायलॉन्स की बनी हुई है। अब हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर। तो टेरेलाइन, डेक्रॉन्स एंड टेरिन आर द पॉलिस्टर फाइबर। जो टेरेलाइन होते हैं, जो डेकोरेट्स होते हैं, और जो टेरिन होते हैं, वो काय में आते हैं, पॉलिस्टर में आते हैं। तो पॉलिस्टर किससे बना हुआ है? हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बना हुआ है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। अब हम पढ़ेंगे एक्रेलिक। एक्रेलिक क्या होता है? ये एक तरह का वूल होता है। इससे क्या बनते हैं? स्वेटर बनते हैं, शॉल्स बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं, और क्या बनते हैं, जो कारपेट्स वगैरह है वो भी इससे बनते हैं। ये वूल से सस्ता रहता है, मतलब चीपर मतलब क्या होता है, सस्ता रहता है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिंथेटिक फाइबर की। तो सिंथेटिक फाइबर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, वो जल्दी से सूख जाता है, उसको प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, और ये सस्ता रहता है किसके कंपैरिजन से, नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन से। अब हम इसके एडवांटेज पढ़ेंगे। तो ये श्रिंक नहीं होता है, इसको प्रेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और ये सबसे लंबे समय तक चलता है किसके कंपैरिजन से, नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन से। अब इसका डिसएडवांटेज क्या रहता है? जब ये पानी को ही ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, तो क्या ये हमारे पसीने को ऑब्जर्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर जो रहता है, हमारे जो स्वेट, स्वेट मतलब क्या होता है, जो पसीना होता है, उसको इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो अगर हम इसको गर्मी में पहनेंगे तो हम इसको पहन नहीं पाएंगे।
इससे क्या होता है, ये इजीली सॉइल के अंदर मिक्स नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये क्या क्रिएट करता है, सॉइल पोल्यूशन क्रिएट्स करता है। सिंथेटिक प्लास्टिक क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ बनते हैं, जैसे पॉलीमर्स में मैंने आपको बताया ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वैसे ही सिंथेटिक प्लास्टिक में भी क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके जो ये सबसे ज़्यादा सस्ता रहता है, ये बेटर देन है, किससे बेटर देन है, हमारे ट्रेडिशनल मटेरियल जो हमारा पुराना मटेरियल से उसे काफ़ी बेटर देन है। इसमें पीवीसी क्या होता है, इसमें क्या है, जो एक गटर जो हमारे पुराने ज़माने में जो गटर चलते थे उनको, इन लोगों को उन्होंने इसमें चेंज करके कायमे बना दिए गए, आयरन बना दिए गए। किचन के जो सरफेस के ऊपर जो पट्टी लगती है वो कैसे बनती है, सिंथेटिक प्लास्टिक से ही बनते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक को एक बार तो उन्होंने लीनियरिंग से करा है और एक बार क्रॉसिंग से करा है। अब लीनियरिंग में देखिए, ये हमको 4 बॉक्सेस दे रखे हैं, बिल्कुल कैसे जा रहे हैं, लीनियर मतलब स्ट्रेट के रूप में जा रहे हैं। और क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में क्या होता है, ये लोग क्या रहते हैं, क्रॉस्ड में जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आप इससे इजीली समझ पाएंगे कि पॉलीमर्स क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ प्लास्टिक्स। तो इन्होंने काइंड ऑफ प्लास्टिक में एक तो बोला है थर्मोप्लास्टिक और एक बोला है थर्मोसेटिंग। अब थर्मोप्लास्टिक क्या रहता है, ऐसे प्लास्टिक रहते हैं जो बनने के बाद अगर हम उसको पिघला ले तो वो क्या जाते हैं, वापस नई चीज में बन जाते हैं, मतलब वो कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, अगर एक बार जो चीज़ बन गई तो हम उसको वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसका थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल क्या हुआ, जैसे कि टॉयज हुए, अगर हम किसी प्लास्टिक के टॉयज को पिघलाएंगे तो वो वापस प्लास्टिक में आ जाएगा और हम उसको वापस रीयूज करते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग में अगर जैसे कि हमने स्विच बोर्ड बनाया तो हम उसको वापस मेल्ट नहीं कर पाएंगे, हम वापस उसको रीमोल्ड मतलब क्या होता है, चेंज नहीं कर पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक और यूजेस। अब ऐसे कुछ ऐसे प्लास्टिक है जो लोग हम लोग डेली यूज में पढ़ते हैं और उसके यूजेस। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले पॉलीथीन। पॉलीथीन आपको पता है काई से बनी हुई रहती है, इथेन गैस से बनी रहती है। और इथेन गैस का फॉर्मूला क्या है, CH2। अगर हम इसको केमिकल फॉर्मूले में देखें तो क्या होता है, CH2 होता है। ये एक क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि इसमें हर चीज में सॉल्युबल होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज होता है। अब प्रॉपर्टीज क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक है, मतलब अगर हम इसको बनाएंगे तो हम इसको वापस मोल्ड कर सकते हैं। ये कौन से कलर के होते हैं, आपको पता है पॉलीबैग कौन से कलर की होती है, वाइटिश कलर की होती है। हम इसको इजीली सामने आमने का देख सकते हैं, जो भी हम उधर क्या हो रहा है इधर क्या हो रहा है हम सब उसके अंदर देख सकते हैं, मतलब ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ये एक लाइट वेट होता है तो हम इजीली इसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पॉलीथीन से और ये उसकी प्रॉपर्टीज थी। अब इसका हम मैं आपको यूजेस बताऊंगी। तो यूजेस आपको पता है पॉलीथीन का काय में यूज होता है, कोई भी अगर हम सामान लेने जाते हैं तो हम लोग वो क्या करते हैं, उसको किस में लेके जाते हैं, पॉलीथीन में लेके जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे पीवीसी। तो ये पीवीसी क्या होते हैं, देखिए पीवीसी में ये ऐसी वायर्स बनती हैं और ऐसे कैरी बैग्स बनते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पीवीसी क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक है, इसको हम मोल्ड कर सकते हैं। और ये कहाँ से बनी हुई है, पोलोमेरेस्टेशन ऑफ विनिल क्लोराइड। पीवीसी टफ रहती है, थोड़ी कड़क रहती है अगर हम कंपेयर करें तो पॉलीथीन से। इससे क्या बनता है, हमारे सीलिंग टाइल से बनती है, हैंडवर्क्स बनते हैं, दरवाजों के लिए काम आता है। अब इसमें क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स भी बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलीस्टार। पॉलीस्टार क्या होता है, ये पॉलीथीन से और भी हल्का रहता है और ये इजीली मोल्ड हो जाता है। ये स्पेशली आप देखिए, ये जो ग्लव्स वगैरह हैं वो काय के बने हुए रहते हैं, पॉलीस्टार से बने हुए रहते हैं। ये जो हमारे दिख रहे हैं ये सामान भी काय से बने हुए होते हैं, पॉलीस्टार से बने हुए रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्रेलिक। तो एक्रेलिक को हम क्या बोलते हैं, परस्पेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो एक्रेलिक क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट रहता है और ये बिल्कुल सॉफ्ट रहता है।
और इसके साथ ही ये किसी के अंदर भी इजीली डिसॉल्व हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे टेलीफिन। तो टेलीफिन क्या होता है? टेलीफिन क्या होता है? इस प्रिपेयर्ड बाय पॉलीस्टेशन कैसे बनता है? पॉलीस्टेशन से बनता है। आप ये देखिए जो टेलीफोन ये जो टैप्स वगैरह होती है, टैप मतलब जो हम लोग टेप वगैरह यूज करते हैं, वो काय की बनी रहती है? टेलीफोन की बनी हुई रहती है। ये चीज़ देखो, ये जो बर्तन होते हैं जो हमारे काय के बने हुए होते हैं, टेलीफोन के बने हुए होते हैं। ये जल्दी जल नहीं पाते हैं। टेलीफोन नॉन स्टिक जो होते हैं वो काय में आते हैं, हमारे टेलीफोन में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग क्या होता है? जिसको हम मोल्ड नहीं कर सकते, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये बेकेलाइट क्या होती है? हार्ड होती है, मतलब काफ़ी से काफ़ी स्ट्रांग रहती है। अब हम पढ़ेंगे मेलामाइन। तो मेलामाइन भी क्या है? एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है जो कि काफ़ी हार्ड रहती है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। मेलामाइन से क्या बनते हैं? जो डिनर के जो वेयर होते हैं, डिनर सेट्स वगैरह होते हैं, वो काय के बनते हैं? मेलामाइन प्लास्टिक के पड़ते हैं। और जो भी हम डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो काय से बनाते हैं? हम मेलामाइन से बनाते हैं। इसको जैसे अब हम बोलेंगे प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। तो प्लास्टिक और एनवायरमेंट, आपको पता है प्लास्टिक मतलब क्या होता है? आजकल हम लोग कितनी सारे प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं। प्लास्टिक के बॉल्स आ गए हैं, प्लास्टिक के चेयर्स आ गई है, प्लास्टिक की बाल्टी आ गई। लेकिन क्या हमारे ट्रेडिशनल्स में क्या है प्लास्टिक के आइटम्स हुआ करते थे? बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। तो आजकल हमारे जो प्लास्टिक्स आ गए हैं बहुत सारे, प्लास्टिक के हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों प्लास्टिक के हम लोग यूज़ करते हैं? क्योंकि प्लास्टिक काफ़ी सस्ता होता है एज़ कम्पेयर दूसरे। अगर आप एक बाउल का सेट प्लास्टिक का लेंगे और अगर आप कांच का लेंगे तो सस्ता कौन पड़ेगा आपको? कौन सा पड़ेगा आपको? जो प्लास्टिक का है वो सस्ता पड़ेगा। अब इसमें क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के चांसेस टेबल दे रखी है। तो अब इसमें जो पेपर है वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। और ये कितने दिन तक चलता है? 10 से 30 दिन तक वो चलना शुरू हो जाता है। अगर हम देखा जाए जो प्लास्टिक का है, तो हमको प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल्स भी रहते हैं। आपको पता है जो प्लास्टिक के जो बैंड्स हुआ करते थे, तो वो क्या हुआ करते थे? आजकल बैंड लग गए हैं, सब बोलते हैं कि प्लास्टिक हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सही में भी हमको प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या फैलाता है? प्रदूषण फैलाता है। अगर हमारे एनवायरनमेंट को हमको सेफ रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, तो हम लोग को प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए। क्योंकि जब वो प्लास्टिक जलती है तो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे एयर पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण होता है, जिससे हमको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? सिंथेटिक फाइबर्स और बहुत सारे प्लास्टिक के इसमें पढ़ा। होप सो आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।